लाहौर में महंगाई का सुनामी आ गया। नान और खमीरी रोटी 2 रुपए महंगी कर दी गई। दालें, चने और चीनी की कीमत में 10 से 39 रुपए तक का इजाफा। कीमतों में इजाफे पर शहरी बिल बिला उठे। मेरी और सिराज कासम में एक चीज मुश्तरक है, वो भी हर हुकूमत के साथ होते हैं, मैं भी हर हुकूमत में होता हूँ। एक आदमी की तनख्वाह है जी 30,000 रुपया। कल मैं सीढ़ियों से उतरा अपनी लिफ्ट से परसों, उसने कहा ये मेरा बिल आया 17,000 रुपया, 3 मेरे बच्चे पढ़ते हैं, घर का मेरा किराया, आप बताएंगे मैं कैसे चला सकता। अगर बुरी हुकूमत चल रही है तो इसमें भी कराची का बड़ा दखल है। 2 सीटों की पार्टी बनाने की मैंने ना कभी कोशिश की है ना करूंगा, उसमें बड़ी मुसीबत है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद भी महंगाई से परेशान, कहते हैं शहरी का 17,000 का गैस बिल काबीना मीटिंग में लेकर गया। वज़ीर रेलवे ने खुद को 1 सीटर कहा और उस पर भी मुतमिन नजर आए। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। पंजाब असेंबली में करारदाद जमा इमरान खान ने जहादी तंजीमों के हवाले से पाक फौज पर इल्जाम लगाया। पाकिस्तान की जग हसाई हुई करारदाद का मतलब। पीटीआई के रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं नून लीग वाले अपनी करप्शन छुपाने के लिए बात बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। तब्दीली का नारा लेकर आए हैं, मुल्क में तब्दीली लेकर आएंगे। मुल्की सियासत में बड़ी हलचल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान की 1 हफ्ते में दूसरी मुलाकात। मुल्की सियासी सूरतहाल और अपोजिशन के मुश्तरका लाहे अमल पर तबादला ख्याल। मौलाना मियां नवाज शरीफ से मुलाकात कर चुके हैं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नजरिया के साथ हैं, किसी कठपुतली के साथ नहीं है। खान साहब बिल्कुल आए, यहाँ बार बार आए सिंध में, लेकिन यहाँ आकर सिंध के अवाम को धोखा ना दे, यहाँ आकर सिंध के अवाम को इंसल्ट ना करें। अब सिर्फ इस्लामाबाद और बनीगाला का वज़ीर आज़म नहीं हो, अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हो। MQM को मैं ये तजवीज़ देता हूँ कि अगर आपने कराची के अवाम की खिदमत करें, पीपल्स पार्टी के साथ मिल के काम करें, ये एथनिक सियासत को छोड़ें। बिलावल भुट्टो ने कप्तान को निशाने पर रख लिया, कहते हैं कठपुतली के फलसफे को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। महंगाई के सुनामी ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। इमरान खान सिंध के अवाम के हकूक छीनने की कोशिश ना करें। MQM को माजी की सियासत छोड़ना होगी। इमरान के खिलाफ बनाना तो वो उनकी अपनी मर्जी, लेकिन वो एक ईमानदार एक नेक नीत आदमी है। पंजाब में जिस तरह कमजोर एक वजीर आला है, वो कमजोर नहीं है, वो बताएगा अपना इतना कमजोर है। बात कुछ ये है कि जी यहाँ पे एक दफा फिर एक लंदन प्लान बन रहा है और पहले भी आप उस लंदन प्लान का हिस्सा थे। ना उसे बना था, ना बनेगा और ना आंदा बनेगा। इमरान खान के खिलाफ किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। पंजाब के वज़ीर आला को कमजोर न समझें, वो ताकतवर हैं। लंदन प्लान का नमाजी में हिस्सा था, न कभी बनूंगा। काफ लीग के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन के लंदन पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। शोहर के जुल्म से तंग भारतीय खातून पाकिस्तान भाग आई। टीना की इस्लाम कबूल करके पाकिस्तानी नौजवान से शादी। टीना ने भारतीय मीडिया के इल्जामात को झूठ करार दे दिया। इस्लामाबाद में CIA पुलिस का जाली शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापा। शराब कशीद करने वाला सामान, सैकड़ों बोतलें कब्जे में ले ली। 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया।